अनुपमा में फैंस अनुपमा पे भड़क गए हैं और अनुपमा को टॉक्सिक बुला रहे हैं। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल आज इतने दिन हो गए समर के मौत के और सीरियल में तो 13 दिन बीत गए हैं। 13 दिन के बाद सभी फैमिली मेम्बर उस दर्द से गुजरने की, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अनुपमा भी मन बना ली थी कि वो अनुज को माफ़ कर देगी। समर उसके सपने में आए और समर ने अनुपमा को काफ़ी समझाया कि अनुज की वजह से उसकी जान नहीं गई है। तो सबको ऐसा लगा था कि समर के समझाने के बाद जो है वो अनुपमा समझेगी और वो अनुज को माफ़ कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनुपमा तो और अनुज के देख के उसे इग्नोर कर रही है। इन्हीं सब बात को लेकर फैंस जो है वो अनुपमा पे कंटिन्यूस भड़के जा रहे हैं, अनुपमा पे गुस्से की बौछार कर रहे हैं। आपको बता दें कि फैंस का कहना है कि माया की मौत भी तो अनुपमा की वजह से ही हुई थी। माया अनुपमा को आई थी बचाने के लिए, जैसे हमने देखा कि समर अनुज को बचाने आए और समर को गोली लग गई, वैसा ही हमने देखा कि ट्रक जो है वो अनुपमा को टक्कर मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो माया अनुपमा को पुश करके माया वहाँ पे आ गई और माया को धक्का लग गया। तो उस वक्त माया की मौत भी हुई थी इसी वजह से, अनुपमा की वजह से। तब कोई क्यों नहीं बोला अनुपमा को, तब अनुज ने क्यों नहीं अनुपमा पे इस तरह से गुस्सा दिखाया। तो इन्हीं सब बात को लेकर फैंस जो है अनुपमा पे भड़के हुए हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? माया और समर दोनों का डेथ का केस सेम है। माया ने अनुपमा को बचाने के लिए जान कुर्बान की, तो समर ने अनुज को, तो अनुज को ही सजा क्यों मिले? इस पे आपका क्या है रिएक्शन कमेंट में बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।